गाइस ये जो ब्यूटी आपको हम दिखा रहे हैं ना गाइस, अगर आपको भी इसको रियल में देखना है ना तो आप लोग जरूर आएगा सिक्किम। Yes, I can't believe I'm riding this bike, guys. So hey guys, no clip, no drama, only rock lama. Good morning from सिक्किम। अभी सिक्किम का नजारा देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग रुके यांगथांग हेरिटेज होटल पे। अभी सुबह के देख सकते हैं 10 बज गए हैं और आज ये हमारा राइड जो कि होगा टूवर्स लाइक सिक्किम ही थोड़ा बहुत घूमेंगे। हेलो, ओके, एक्चुअली हमारा ब्रेकफास्ट वहाँ नीचे ना बूफे लगा हुआ है। अरे माँ, हाँ जी, ओके ओके, लो आया ले लो, उनसे बस 2 मिनट हो गए। ब्रेकफास्ट बुफे भी लगा हुआ है नीचे और दो हमारे ब्रदर्स आए हैं हमको लेने के लिए। गाइस आज हम लोग सिक्किम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और मैं बता दूं गाइस, कल हम लोग निकल रहे हैं नागालैंड राइड के लिए। आई एम टू मच एक्साइटेड। और आज ना हमने ना ये राइडिंग जूता उता ड्रेसअप कर लिया गाइस, इट्स फील लाइक अ घोस्ट राइडर गाइस। हमारा रूम ये था, रात को काफ़ी मज़ा आया सोने में भी। रात को ना कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गया था तो दो सिंगल सिंगल बेड था ना, मैं तो भाई के पास चला गया सोने के लिए। ला मोए मोए। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके गाइस, हमारे बूफे वहाँ पे लगा हुआ है, पहले हमारे ब्रदर्स से मिल लेते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। भैया आए हैं लेने के लिए गाइस, तो ये बाइक में अभी अपन लोग जाएंगे। ब्रेकफास्ट सोचे थे हम यहाँ पे करेंगे, हम भैया लेट हो गया ना तो हम ना रास्ते पे ही करेंगे। ओके, हाँ हम उधर बैठेंगे। ओके, काफी अच्छा लग रहा है, देखा। ऑल राइट दोस्तों, अभी हम एक मोनेस्ट्री में आए हैं। जो यू कैन सी, ये है इंचे गुम्बा। सिक्किम का ना लाइक मैं बता दूँ तो सिक्किम के जितने भी सारे लोग हैं, अगर कहीं बाहर जाते या तो कुछ प्रॉपर्टी खरीदे या तो कुछ भी घर अगर लेते हैं तो सबसे पहले ये गुम्बा में आके लाइक वो लोग ना पूजा करते हैं। लाइक जितने भी सारे लोग बाहर या तो कुछ भी करते हैं ना, यहाँ आके पूजा इसलिए करते हैं कि ये गुम्बा ना उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। एक टाइप ऑफ क्या हो गया मेरे भाई, क्या नींद में है क्या तू? ये मेरा भाई तो नींद में है गाइस। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको बस वन विन की वेबसाइट पर जाना है। वन विन की वेबसाइट पर जाकर आपको बस अपना फेवरेट गेम चूज करना है। जैसे मेरा फेवरेट गेम है लकी जेट। लकी जेट में पायलट के उड़ने से पहले ही आपको पैसे कलेक्ट करना होता है। तो जब आप खेलोगे आपके वॉलेट में जितने पैसे है उसमें से आप प्लेइंग अमाउंट सेलेक्ट कर लो। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट राउंड का वेट करना होता है। एंड नेक्स्ट राउंड में पायलट के उड़ जाने से पहले अपना अमाउंट जो है विड्रॉ कर लो। यहाँ आप जीते हो तो आपका पैसा अकाउंट में चला जाएगा और इसमें पैसा विड्रॉ करना काफी आसान है। आप सीधा चले जाओ वन विन के वेबसाइट पर एंड वन विन के वेबसाइट पर लॉगिन करो। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट पिन पे कर दिया हूँ एंड साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी यहाँ पे आ रहा होगा, जाके ट्राई कीजिए। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं हनुमान चौक पे। एज यू कैन सी सारे बाइकर्स यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉटी एंजल्स, कैसे आप सब? बढ़िया। हमारे ब्रेकफास्ट में आया है डोसा। एक्चुअली मैं खाता नहीं हूँ बट अब खा लेंगे गाइस, क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग का जो डॉटी एंजल्स ग्रुप है, ये डर्टी एंजल्स इसका मीनिंग है? तो व्हेन वी राइड वी गेट डर्टी, आवर बाइक्स गेट डर्टी, बट व्हेन वी वर्क लाइक एन एंजल, क्योंकि हम लोग चैरिटी का काम ज्यादा करते हैं तो हम एंजल की तरफ अपने आप को मानते हैं। ये तो एकदम ही सही है। ये हमारा मसाला डोसा, इसको चोपा गाइस, ठीक है। गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं व्यू देखने के लिए, वहां से आपको दिखाएंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा ही नहीं, हमारे पूरे सिक्किम के कुदरत को दिखाएंगे आप। देखो गाइस ये जो ब्यूटी आपको हम दिखा रहे हैं ना गाइस, अगर आपको भी इसको रियल में देखना है ना तो आप लोग जरूर आएगा सिक्किम। हे प्रभु जी, साक्षात आपके दर्शन हो गए। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ऑल राइट गाइस, अभी एक पॉइंट पे रुके हुए हैं बिकॉज अभी आपका भाई राइड करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। चलिए गाइस बैठते हैं अपने हिमालयन पे, लेके प्रभु का नाम, जय बजरंग बली।
ओके ओके ओ माय गॉड, आज ऐसा लग रहा है कि मैं ना काफी सालों बाद राइड कर रहा हूँ। ये कंचनजंगा पहाड़ से ना गाइस बहुत ही ठंडा हवा आ रहा है, बहुत चिल्ड वेदर हो रखा है। पता है हमारे आगे वाले भैया से बात हुआ था गाइस, यू नो माउंट एवरेस्ट लोग चढ़े आपने सुना होगा, बट हमारे ये जो कंचनजंगा है ना क्यों नहीं चढ़े पता? बिकॉज ये जो कंचनजंगा है ये एकदम ही होली प्लेस है। लाइक बहुत सारे लोगों ने तो अप्लाई किया है चढ़ने के लिए, बट इसको हम मतलब सिक्किम के जो लोग है ना चढ़ने नहीं देंगे, बिकॉज ये एक होली प्लेस है। वहाँ चढ़ने पर एक पाप टाइप का एक होता है ना, अच्छा नहीं होता है। तो एकदम सिक्किम चाहते हैं कि अपना जो कंचनजंगा है इसको एकदम ही होली प्लेस ही रखे हमेशा के लिए, विच इज गुड। मुझे पर्सनली अच्छा लगा। वही वही मक्का ब्रेक नहीं लग रहा गाइस। अभी जाता मैं सीधा। ये लो जी अपलोडिंग आ गए, हम तो इंजॉय करते करते जाएंगे इसमें। ये लो जी देखो रास्ता देख रहे हो भाई साहब, ये बाइक बनाई तो ऑफरोडिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। हाँ मुझे तो मोमो खाना है, बिकॉज डोसा जो है ना गाइस मैंने नहीं खाया, मेरे को पसंद नहीं है। बट सबका अपना अपना टेस्ट है, बिकॉज साउथ में तो ज्यादातर डोसा ही चलता है ना। मैं फूड को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे वो टेस्ट थोड़ा ठीक नहीं लगा, मेरे को पसंद नहीं है बोला जाए तो। गाइस अभी हम लोग रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड खुशी की बात बताऊं राइट नाउ मैं अभी राइड करने वाला हूँ ये वाला बाइक। गाइस ये फॉरेन वाला बाइक राइड करने वाला हूँ। एज यू कैन सी इसका शेप देख सकते हो, पूरा का पूरा चकाचक ये है। कितना 650 सीसी का है। फर्स्ट टाइम हम ये बाइक चलाने वाले हैं, सो चले गाइस राइड करके देखते हैं। चले गाइस शुरू करते हैं। थोड़ा सा बहुत ही भारी लग रहा है, इसको ना पहले न्यूट्रल पे लाते हैं, ठीक है? इसको करंट मारते हैं। हो गया है स्टार्ट। ओके यहाँ पे चले। Oh my goodness, I can't believe I'm riding this bike, guys. Woohoo! Oh my god, power तो बहुत ही heavy है भाई। Naughty हो रहा है क्या? Oh my god. कसम से bro, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मैं अपना happiness, guys, आप लोग को कैसे बताऊ कितना खुश हूँ अभी। Seriously. Oh my god, Turu love. एंड स्पेशली गाइस आई एम रियली प्राउड कि हम डटी एंजल्स के साथ राइड कर रहे हैं, बिकॉज जो डटी एंजल्स है ना गाइस ये लोग ना राइडर ओनली नहीं है, बिकॉज राइड के साथ साथ जो चैरिटी करते हैं ना, तो उसके लिए ना मेरे दिल पे बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट है हमारे डटी एंजल्स के लिए। एंड सबके अपने अपने जॉब है, सबके अपने अपने फैमिली है, फिर भी टाइम निकाल के राइड करते हैं, ताकि राइड करते हैं एंड लोगों को चैरिटी करते हैं, उन लोगों को मदद करते हैं जिसको जरूरत है। रियली गाइस हेड्स ऑफ टू डर्टी एंजल्स। गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताना, ये बाइक मुझे सूट कर रहा है कि नहीं। ओ माय गॉड भाई बहुत ही मस्त बाइक है यार ये। मलाई सिक्किम मन पर्छ। तो दोस्तों अपन लोग वापसी रूम में आ चुके हैं। अभी हम अपना जैकेट का ये हड्डी पसली निकल रहा है, बिकॉज हम लॉन्ड्री के लिए हम अपना जैकेट दे रहे। अभी ये सारा निकल गया है ना, अभी देखो कितना हल्का हो गया, वो लगाने के बाद बहुत भारी होता है। गाइस अभी शाम के 6 बज रहे और अपन लोग अभी यहाँ पे डिनर ले रहे हैं जल्दी ही, बिकॉज हमें जल्दी सोना है, बिकॉज कल सुबह 6 बजे हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा नागालैंड के लिए। और गाइस बिग बॉस में क्या चल रहा है आई डोंट नो यार, इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब में आ रखे हैं ना, वो देख के ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा पर्सनली बोला जाए तो। फिर भी कुछ कुछ लोग बोलेंगे ओके ये बिग बॉस थे उसके ये भाई, मैं एज अ पब्लिक एज अ ऑडियंस मैं अपना जस्ट व्यू पॉइंट रख रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा हो रहा है हमारा जो बाबू भैया है UK07 राइडर बिग बॉस घर के अंदर, बाबू भैया ने कुछ और बोला था कि लाइक ब्रो सेना को लेकर ये, और सलमान खान वहाँ बाद में आके उसने बोल दिया कि बात को घुमा दिया कि लाइक ब्रो सेना से ये कमाते है पैसा ना, ऐसे कुछ हुआ था ना अनुराग कि मैं इनसे पैसे कमाता हूँ। भाई मैंने ये बात बोली नहीं कि मैं इनसे पैसे कमाता हूँ, भाई मैंने कहा था उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, प्रोफेशनली लूंगा भाई मेरा घर उससे चला है, समझ रहे? तो उसी में ना वो अलग सा नेगेटिव टाइप के बना के लाइक वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वहाँ पे द UK07 राइडर को ही खाली टारगेट किया जाता है, उसको बोलने भी नहीं देता है, आगे बोल देता है। अब देखो सीधी बात है सलमान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या करे या क्या नहीं, या बिग बॉस वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पर भाई जो बंदा मेहनत करके आया पिछले 5-6 साल से, तो उसको आप नीचे गिराने में क्यों लगे हुए हैं? वो भी किस लिए? टीआरपी के लिए। ये चीज बोलेंगे, बाहर के लोग ये पसंद करेगा, उन लोग को टीआरपी शो चलेगा। आप लोग ही कुछ थिंक करो, अंदर घर के अंदर गेम तो चल रहा है, बट भाई जिस तरीके से टारगेटिंग किया जा रहा है, बाबू भाई को डिफेम किया जा रहा है, उसको नीचे गिराना चाह रहा है जोकर, तो ठीक है एक टाइम पर एक वो होता है ना कि जोकर ये हंसी मजाक हो जाता है मीम्स के लिए ना, बट वहाँ पे पर्सनल वो उसके जो ब्रोस है ना आर्मी है उसको लेकर ये उससे तुम पैसा कमाता है अलग टाइप का ना, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगा। अब आई डोंट नो ये उन लोग का गेम है, ये शो चलाने का क्या है, बट ये भी तो सोचो ना, बाहर घर में कोई पेरेंट्स उसका माँ पापा देख रहा है, घर वाले हैं सबके अपने अपने, अगर यही चीज आपके घर वालों के साथ होता, आपके साथ होता, तो आपको कैसा लगता? अपने ऊपर एक बार झांक के देखो कैसा फील होता होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बाबू भैया है बोल के सपोर्ट करो, बट ये चीज गलत हो रहा है तो हम इसमें बात करें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? अभी मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रहा है, मेरा खाना ठंडा हो चुका है गाइस, तो मैं चला खाने, लाइक से कर देना, ठीक है? कांची तीन रैक रैक रैक।